औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, MyNews.TV। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं लाहौर में मुस्लिम पोल्ट्री फार्म के ऑनर जनाब मोहतरम वकास अहमद सदीकी साहब से, जो कि ऑस्ट्रोलोप का एक इंतहाई शानदार बिजनेस कर रहे हैं। इनके लाहौर में 4 मुख्तलिफ जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह शेड्स हैं, जिसमें ये ऑस्ट्रोलोप और आर आई आर की जो है वो फार्मिंग कर रहे हैं। मैं इनसे गुफ्तगू करूँगा और इनसे पूछूँगा कि क्या ऑस्ट्रोलोप वाकई ही इस कदर शानदार बिजनेस है कि जिस तरह से YouTube पे दिगर लोग बताते हैं कि ये महीनों में इंसान हज़ारों रुपए कमाता है। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे जनाब वकास अहमद सदीकी साहब से। वकास साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा वकास भाई, ये बताएं कि आपने ऑस्ट्रोलोप का जो काम स्टार्ट किया, यही काम स्टार्ट करने का ख़ास मकसद क्या था आपका? मकसद तो कोई नहीं था। मुझे पहले मेरे एक दोस्त ने कहा था 2-1 साल पहले कि यार ये काम करो, इसमें बहुत प्रॉफिट है। मैंने देखा कहा, मैं कहा यार ये इतना प्रॉफिट ये तो मुझे मुमकिन नहीं है। नहीं आता। अच्छा। मैं कहा नहीं, ये फिल्म है, ये कुछ भी नहीं, इतना बड़ा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। लेकिन जब उसने मुझे बड़ा बार बार इंसिस्ट किया करके, उसने जो मेरे से सोच उजा मुझे उसने डाल दिया मैंने, उसके बाद जब सोच उजा मैंने संभाला, उसके बाद तो मुझे दूसरी फील्ड कोई अच्छी नहीं लगी। अच्छा, 200 चूज़ा एक दिन का संभालने का तजर्बा कैसा रहा? आप 100 चूज़ा संभालने के लिए लोगों को क्या बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर की जाएँ कि जो 100 चूज़ा है उसको आप पालने में कामयाब हो सकें? छोटा चूज़ा एक दिन का। सर वो उसके अंदर ये है, इंक्यूबेटर बनाया हुआ, वो आपने इंक्यूबेटर के अंदर आपने चूज़ा रखा हुआ, चूज़े को आपने हर किस्म का सुकून देना है, जैसे आप अपने छोटे से बच्चे को देते हो, छिले के बच्चे। ठीक है, ठीक है। वैसे आपने उसका टेम्परेचर मेंटेन रखना है, उसकी खुराक का ख्याल करना है, उसको पानी का ख्याल रखना है, बस ये चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने टाइम पे वैक्सीन करनी है, कोई मसला ही नहीं है, आम बंदा संभाल सकता चीज़। अच्छा ये बताएं कि 100 चूज़ा जो होगा वो कितने दिन तक आपके लिए ज़्यादा परेशानी का बायस होगा, उनको संभालना मुश्किल होता है, और कितने दिन के बाद आप थोड़ा सा ज़हनी तौर पर रिलैक्स हो जाते हैं कि अब जो बच्चे हैं ये ठीक हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं? 15 से 18 दिन जी। 15 से 18 दिन तक आपको ज़्यादा परेशानी होती है? परेशानी। अच्छा ये बताएं कि जो आप शुरू में जो फीड देते हैं, तो उसकी एक चूज़ा जो होगा, 100 चूज़ा, वो कितनी फीड खा लेता है एक महीने में? तो एक महीने में मर के वो एक बोरी खा लेगा। एक बोरी 3000 रुपये की है मेरा ख्याल है, 3650 रुपये की, यानी कि एक चूहे की खुराक का एक महीने का खर्चा जो है वो तकरीबन 3650 रुपये है। तो एक चूज़ा हमने आपसे ख़रीद किया, वो है तकरीबन कोई 150 रुपये का, तो एक चूज़ा हमने एक महीना पालने के बाद अगर उसको फरोख्त करेंगे तो कितने का सेल होगा? वो 400-450 का आराम से उसके सेल होगा, क्योंकि 400 से 450 के दरमियान वो आसानी से सेल हो सकता है। और ये सेल करने के लिए क्या तरीक़ाकार है? क्या हम इसको मार्केट में ओपन बेच सकते हैं या कोई ऑनलाइन बेचें? देखें, अगर वो चूज़ा है ना, तो चूज़ा तो आपको या ऑनलाइन सेल कर दे, नहीं सेल होता मुझे बताओ, मैं निकलवा देता हूँ। अच्छा, चूज़ा तो आराम से सेल हो जाता है। ये लेकिन अगर आप एक 100 चिक्स डाल दें, अब एक चिक्स का आप अंदाज़ा लगाएं ना कि फुल प्रॉपर तैयार हो जाए मुर्गी अंडे पे आ जाए, तो वो आपका तकरीबन जो है ना 700 से 800 रुपया, 850-900 तक खर्चा आएगा आपका एक मुर्गी का। तो आप उसके बाद देखें कि वो अगर अंडा शुरू कर दिया तो उसने 40-50 रुपये का तो आम अंडा जा रहा है, उसने आपकी दिन में मर के 10 रुपये की फीड नहीं खानी, उसने आपको 40 रुपये दे दिया। अच्छा ये बताएं कि आम ब्रॉयलर लेयर जो होती है उसकी मुर्गी का अंडा और ये ऑस्ट्रोलोप की मुर्गी के अंडे में इतना ज़्यादा फ़र्क रेट का क्यों है? सर वो इसलिए है कि ब्रॉयलर जो है वो तो आपको पता ना कि फुल बीमारियां ही हैं उसे खाने से, क्योंकि उसे खिलाया क्या जा रहा है, मरे हुए जानवर। तो जाहिर है जब मांस इस तरह का आप डालेंगे तो वो जानवर के अंदर क्या जान आएगी, वो जान होगी, वो क्या होगा, वो तो ख़त्म है, वो तो जाहिर सी बात है, वो मुर्दार वाला ही हिसाब है उसका भी। अच्छा ये, हाँ ये आपकी बात ठीक है। ये बताएं कि जो ब्रॉयलर खुराक खाती है क्या ऑस्ट्रोलोप वही नहीं खाती? नहीं, फर्क होता है इनका। अच्छा, ये ऑर्गेनिक फीड पे चलती है ना? अच्छा ऑर्गेनिक फीड पे चलती है, ये ऑर्गेनिक फीड पे चलती है। हाँ जी। तो इसीलिए इसका खर्चा भी ज्यादा है इसको पालने का।
एक मुर्गी जो पल जाती है साढ़े चार पाँच माह की हो जाती है और वो अंडे देने तक पहुंच जाती है, तो वो कितने की अगर बेचना चाहें आप, तो कितने की आप बेच सकते हैं मार्केट? वो आपकी तकरीबन बिकेगी 2200 से 2500 तक मुर्गी सेल हो जाएगी, और उसके ऊपर एक्सपेंस जो है आपका बहुत ज़्यादा खर्चा कर गया या कोई मोर्टेलिटी रेशियो बढ़ गई है या कोई मसला इस तरह का आ गया, तो आपको 1000 रुपये की मुर्गी बढ़ जाएगी, 1000 रुपये एवरेज पड़ेगी, और वो 2400-2500 की बिक जाएगी, बिक जाएगी, क्योंकि 4 माह के बाद एक मुर्गी आपको 1500-1600 रुपया देती है, आराम से देती है, आराम से देती है। यानी कि ये जो लोग इसको समझते हैं कि ये फ्रॉड है, ये झूठ है, ऐसा हो नहीं सकता, उनके लिए ये मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मुस्लिम पोल्ट्री फार्म के ऑनर वकास अहमद सदीकी साहब कहते हैं कि एक मुर्गी जो 1000 रुपये की कास्ट करती है उसको सेल करना हो तो वो आराम से 2500-2600 रुपये की सेल हो सकती है, और जो लोग इसको ख़रीद करते हैं वो इससे अंडे लेते हैं, उसके बाद उसके चूजे निकलवा के सेल करने के मकसद से लेते हैं, ये इसको मतलब कि ज़िबा करके खाते भी हैं गोश्त की चक्कर में? सर, गोश्त के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोग इस टाइम खा रहे हैं। अच्छा, आपका जितना फ्लॉक तैयार होता है ना, आपको पता लगा आपने 6 महीने अंडा ले लिया इसे, अब वो जब आपने 5 महीने की मुर्गी होगी, अंडा देना शुरू होगी, 6 महीने आपने अंडा ले लिया, वो 11 माह की होगी, अब उसका वज़न चेक करें ना, वो 4 किलो, 4.25 किलो, 4.25 किलो ये उसका वज़न होता है मुर्गी का। अच्छा, मुर्गे का वज़न आ जाता है 5, 5.5 किलो, 4.5 किलो, 5.25 किलो, यूँ होता है। तो मुर्गा जो होगा इसका, हम मुर्गे की तरफ आते हैं, जो मुर्गा इसका होता है वो मार्केट में कितने का मिल जाता है, या अगर आप सेल करना चाहें तो कितने का सेल करते हैं? ब्रीडर, तो ब्रीडर जो है ना, जो 6-7 किलो का ब्रीडर है, ब्रीडर करके आप अगर खरीदेंगे कि आपको फार्म के लिए ब्रीडर चाहिए, तो 8-9 हज़ार रुपये का आपको ब्रीडर मिलेगा। 8-9 हज़ार रुपये का एक ब्रीडर ऑस्ट्रोलॉब का मार्केट में 8-9 हज़ार रुपये का मिलता है, जिसका वजन 6-7 किलो होता है। जिसका वजन 6-7 किलो का वजन तो बहुत ज्यादा वजन होता है, ये वजन हो रहा होता है ना ऑस्ट्रोलॉब। अच्छा, जब आपने 11 महीने का जानवर होगा उसका वजन चेक करें आप, यही होगा, अगर आप कह दें कि 11वें महीने में नहीं हुआ तो 12वें में हो जाएगा, क्योंकि कई आप देखे ना, एक आदमी के 10 बच्चे हैं तो वो सारों की जिसामत एक जैसी नहीं होती, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, वो चीज़ फिर इसमें आ जाती है। सही, तो आप ये बताएं कि जो दोस्त मतलब कि इस बिजनेस की तरफ आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे, किस तरह से वो उस काम को स्टार्ट करें और किस तरह से इस काम में कामयाब होने के लिए आपका साथ भी चाहें तो वो ले सकें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, तो आप ज़रा ब्रीफली हमारे दोस्तों को बताएं कि वो क्या करें? वो से एक ये ना मेरे चैनल के ऊपर इसकी वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, ब्रूडर देख के उसे उस तरह का ब्रूडर बनाएं, उसके अंदर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 चिक्स डालें, 100 चिक्स डालें, 1 माह का करके चिक्स निकालें, आपको खुद ही प्रॉफिट का पता लग जाएगा, क्या आपने खोया क्या पाया, आपको 1 महीने में एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा क्या बचा आप। कौन सा महीना बेहतरीन है चिक्स डालने के लिए? ये सर 3 से 4 माह होते हैं जो चिक्स नहीं डाला जाता, नवंबर दिसंबर या होता है अगस्त का महीना, ये नहीं डालते इन मौसम में। तो अब ये जनवरी का मतलब के मिड है, आज 20 जनवरी है, 19 जनवरी है, तो ये बताएं कि अगर हमने हमारे दोस्त लोग इस बिज़नेस की तरफ आना चाहते हैं तो वो किस दिन से या किस तारीख से इस बिज़नेस की तरफ आ सकते हैं, और उन्होंने अगर चिक्स लेना हो तो वो क्या फिर रब्ता कर सकते हैं? रब्ता करें, मैं फ़ोन नंबर, मैं आपका नंबर आपका दे दूंगा यूट्यूब के नीचे, फ़ोन आप नंबर दे दें, कोई मसले नहीं है, वो जिससे जिस तरह की रहनुमाई चाहिए होगी हम लोग रहनुमाई करेंगे, और कौन सा महीना हो, कौन सी तारीख से अगर वो डालना चाहें तो वो मार्च में शुरू करें, मार्च से पहले नहीं, क्योंकि फरवरी में भी सर्दी होगी, क्योंकि सर्दी में टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल होता है, गर्मी में टेम्परेचर मेंटेन करना इतना मुश्किल नहीं होता। नहीं, अभी आपने जो माशाल्लाह मैंने देखा है आपके विजिट किए हैं फार्म को, आपने छोटे चूजे अभी रखे हुए हैं, तो आप भी तो उसको पाल रहे हैं ना, आप भी तो माशाल्लाह उसको संभाल रहे हैं ना। बात यह है कि मेरी भी मोर्टेलिटी रेशियो काफ़ी गई है इस दफ़ा। अच्छा, इस दफ़ा गई है मोर्टेलिटी? इस दफ़ा गई है, क्योंकि सर्दी के अंदर माशाल्लाह कभी लाइट नहीं पूरी हो रही, हाँ जी, कभी लाइट, कभी गैस की लोड शेडिंग हो गई है, तो जाहिर है टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे, उसमें भी फिर टाइम लग जाता है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि हम अगर ये दोस्तों को इस बारे में ब्रीफ करें तो उन्हें कहें कि ये मार्च के महीने में ठंडा अच्छा मौसम होगा, मौसम खुल जाता है, हाँ जी, तो उन दिनों में आप इसको चूजों को मतलब के डालने अपने छोटे शक्ल में शुरू करें, 100 चिक्स के साथ स्टार्ट करें, तो मज़ा आएगा। तो यानी कि किस्सा मकसद ये है कि अगर बिजनेस करना चाहें तो इस वक्त जो काम का अरूज है इस वक्त वो ऑस्ट्रोलॉब की तरफ है, तो आप दूसरे चिक्स से हटकर ऑस्ट्रोलॉब की तरफ आएँ, आपकी यही राय है।
इसके अलावा कोई खास पैगाम हमारे दोस्तों के लिए हो तो कर लीजिए। बस कारोबार करो, हलाल काम के पीछे जाओ, अल्लाह ने बहुत बड़ी कमाई रखी हुई है, बहुत कमाई मिलती है। अगर आप किसी का कारोबार बेहतर करने का सोच रहे हो ना, आपका तो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। वो तो अल्लाह पाक की जात जो है ना, वो इंसान की नीयतों को बहुत अच्छी तरह जानती है कि ये क्या है। लेकिन अगर आप किसी को बेहतर गाइड कर दोगे, मेरे ख्याल से अल्लाह पाक आपको नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा ही देगा कहीं ना कहीं। सही, मैंने अब तक ये देखा है कि मैंने इस टाइम लोगों को जिस तरीके से मैं चला हूँ ना, मैंने लोगों को माल वगैरह दिया है, मेरे ख्याल के मुताबिक ना अब तक जो बंदा आसरा लोग के अंदर एंटर हुआ ना इस काम के अंदर, वो वापस नहीं गया, वापस नहीं गया, वो आगे बढ़ा है, वो आगे ही बढ़ा है। उसने कहा कि नहीं, इससे मज़े का काम हो ही नहीं सकता। तो मैं अपने देखने वाले तमाम दोस्तों से मुल्तमिस हूँ और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अपना कारोबार शिफ्ट करना है या कोई नया काम स्टार्ट करना है, तो आप हमारे भाई वकाफ अहमद सदीकी साहब का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इनसे रब्ता करें, इनसे रहनुमाई लें और आफ्टर लॉक के बिज़नेस की तरफ आएँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ देगा। वकाफ भाई, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, मैं आपका मशहूर हूँ। इंशाल्लाह मैं भी इस काम की तरफ आने की ख्वाहिशमंद हूँ, तो आपसे मैंने रहनुमाई ली, आपने मुझे मुल्तान से यहाँ आने की दावत दी, बड़ी मेहरबानी, आपका मशहूर हूँ। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ अता फरमाए और आपने जो अपनी कीमती अरा लोगों को दी, आप दोस्त इससे मुस्तफ़ीद हों और अपने लिए रोज़गार के जो मौके हैं वो ज़रूर अपने आप के लिए जो है वो मुहैया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।